क्रिकेट ऐसा खेल है जिसके सब लोग दीवाने हैं। क्रिकेट का जुनून ऐसा होता है कि लोग आपस में ही लड़ बैठते हैं, लेकिन ये मनोरंजक खेल खतरनाक भी होता है। खिलाड़ियों को देखकर तो हम सोचते हैं कि इनकी लाइफ मजेदार होगी, पर ऐसा होता नहीं है। दोस्त खेलते खेलते कई खिलाड़ी अपनी जान भी गंवा चुकी हैं। यहाँ हम आपको कुछ ऐसे प्लेयर्स के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने खेल के मैदान से ही दुनिया छोड़ दी। नंबर वन, एंडी डकेट, 1942। इंग्लैंड के इस खिलाड़ी को अपने घरेलू मैदान लॉर्डर्स पर अचानक खेलते हुए हार्ट अटैक आ गया था। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, इन्होंने दम तोड़ दिया। हाथ में अपना बैट लिए ही ये दुनिया को अलविदा कह गए। नंबर टू, अब्दुल अजीज, 1959। 17 साल का ये पाकिस्तानी खिलाड़ी पाकिस्तानी ट्रॉफी कायदे आजम का फाइनल खेल खेल रहा था कि एक बॉल इनके सीने पर आकर लगी और वह बॉल इनकी आखिरी बॉल साबित हुई। बॉल लगने के बाद ये वहीं गिर गए। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। नंबर थ्री, वाइल्फ स्लैक, 1989। इंग्लैंड का ये खिलाड़ी 34 साल की उम्र में खेलते हुए मैदान पर ही अपनी जिंदगी से हार गया और दुनिया को मैदान पर ही अलविदा कह गया। नंबर फोर, लैन फॉली, 1993। इंग्लैंड का ये खिलाड़ी भी घरेलू मैच खेलते वक्त दुनिया को अलविदा कह गया। नंबर फाइव, रमन लांबा, इंडिया, 1998। रमन लांबा पॉइंट पर फील्डिंग कर रहे थे कि बैट्समैन ने जैसे ही शॉट खेला, बॉल सीधा रमन के सर पर लगी, जिसके बाद वे बेहोश हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वहां रमन लांबा हमेशा के लिए मैदान और दुनिया छोड़ गए, मगर उसके बाद से पॉइंट पर हेलमेट लगाने के लिए अनुमति मिल गई। नंबर सिक्स, वसीम राजा, 2006। पाकिस्तान का यह खिलाड़ी एक सीरीज के दौरान अपने कमरे से मृत पाया गया। नंबर सेवन, रिचर्ड ब्यूमॉन्ट, 2012। इंग्लैंड के इस फास्ट बॉलर को मैदान पर ही खेलते हुए हार्ट अटैक हुआ और वही गिर गए। उनको तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। नंबर एट, जुल्फीकार भट्टी, 2013। घरेलू मैदान पर खेलते हुए पाकिस्तान के इस खिलाड़ी को छाती पर एक बाउंसर लगा, जिसके बाद वे वही बेहोश हो गए। उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां वे मैच को बीच में छोड़कर ही जिंदगी से हार गए। नंबर नाइन, डेरिन रैंडल, 2013। अफ्रीका का ये खिलाड़ी अपने घरेलू मैच में एक पुल शॉट खेल रहा था कि बॉल चूक कर उनके सीने पर लगी। उनको अस्पताल के लिए ले जाया गया, मगर ये खिलाड़ी भी अस्पताल जाते हुए रास्ते में ही दुनिया से चले गए। नंबर 10, फिल हगीज, 2014। ऑस्ट्रेलिया के इस खिलाड़ी को मैच के दौरान सर पर बाउंसर लगा। बॉल लगने के बाद वह गिर गए और बेहोशी की हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दो दिन बाद वो दुनिया को अलविदा कह गए। ऐसी ही और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा ये चैनल।